नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत इन दिन की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। उमेश पाल हत्याकांड में अधिक दोषी, प्रयागराज की कोर्ट ने दोषी करार दिया। पीएमओ के नाम पर कश्मीर में ठगी करने के आरोपी किरण पटेल की पत्नी मालिनी पटेल हुई गिरफ्तार। दिल्ली में बीजेपी के संसदीय दल की बैठक शुरू, पीएम मोदी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के बस्ती में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार तीनों युवकों की मौत। नई दिल्ली, लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा, चेयर की तरफ कागज और काले कपड़े फेंके गए। दिल्ली पुलिस ने फॉर्चूनर लूटने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, चार कार्यकर्ता और दो रिसीवर हुए गिरफ्तार। चंडीगढ़ में आज से 31 मार्च तक आयोजित होगा G20 का शिखर सम्मेलन। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों का डेलीगेशन आज पीएम मोदी से करेगा मुलाकात। नागपुर में अब पब, हुक्का पार्लर और होटल लो पर होगी सख्त कड़ी कार्रवाई, सीपी ने दिए आदेश, सुरक्षा नियमों का सख्ती से करना होगा पालन। और आकांक्षा दुबे मौत मामले में बॉयफ्रेंड पर एफआईआर हुआ दर्ज, एक्ट्रेस की मां ने बताया दी थी धमकी,